मन उनका हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा। अभी मैं चर्चा कर रहा था अखिलेश जी से और नसीर भाई, हम लोग सब बैठे थे, तो राम जतन जी बोले मेरा मन हमेशा पिछले 12 साल कांग्रेस के ही साथ रहा। सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा, और जो हमारी पीढ़ी है हमको ये सीख भी मिलती है ऐसे लोगों से, राम जतन जी जैसे लोगों से, कि जो कांग्रेस का जो फूल होता है वो किसी और क्यारी में नहीं खिल सकता, वो कांग्रेस की ही क्यारी में प्रफुल्लित होता है। बहुत अच्छा लग रहा है उनका स्वागत करते हुए, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। जब नसीर भाई का फ़ोन आया कि आपको इसमें रहना है, शामिल होना है, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है कि एक इतने वरिष्ठ नेता को फिर से हम लोग अपने परिवार में, और दूर नहीं गए थे, दिल से दूर कभी नहीं हुए थे, मैं उनका स्वागत करता हूँ पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से। राम जतन सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, और उन्हें फिर से शामिल करने की एक जो रस्म अदायगी है वो पहले कर लें, फिर चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है। एक मिनट को भी दे दीजिए। थैंक यू मीरा जी। मैं हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहें। आदरणीय पवन जी के बोलने के बाद ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है, मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना हम लोगों के हिस्से में बचता है। जैसा इन्होंने बताया, छात्र आंदोलन से इनका करियर शुरू हुआ, और जो उस जमाने के लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि छात्र संघ का चुनाव लालू जी को हरा के ही जीते थे, और फिर इनका पॉलिटिकल करियर बिहार सरकार में मंत्री हुए, चार बार विधायक बने, और लंबे समय तक इन्होंने राजनीति से अपना जुड़ाव न केवल रखा बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुए, और इनके कार्यकाल में कांग्रेस को काफ़ी ख्याति मिली थी, जमीन पर कांग्रेस मजबूत हुआ था। हम स्वागत करते हुए इनका ये कह सकते हैं कि इनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से संगठन को मजबूती मिलेगी, और कांग्रेस परिवार में भी उत्साह का संचार होगा। हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फिर से इनका दिल से स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में हम लोगों का संगठन धारदार और ज़मीनी स्तर पर और मजबूत होगा। बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप दोनों का फ्लाइट है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा राम जतन सिन्हा जी से दो शब्द, वो भी। हम लोगों के टीचर भी रहे, मैं साइंस कॉलेज में पढ़ाए भी। बहुत बढ़िया। आदरणीय पवन जी, नासिर हुसैन साहब, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, और मीडिया के उपस्थित महानुभाव, जो भाव व्यक्त किया है पवन जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने को उनके भावनाओं के अनुरूप सही साबित कर सकूं। यहाँ आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूँ, जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला, और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेसजनों से बना रहा,
आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहल और प्रयास से यह संभव हो सका और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके कामों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे, मेरी जो भी क्षमता है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे।